गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा गोवा में सेकंड डे है, बट फर्स्ट ही मानिए, कल तो हमने सिर्फ रेस्ट ही की है, तो आप फर्स्ट ही बोलेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है गोवा में, और हितेश जी देखिए पूरा गोवा के रंग में रंग चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने शर्ट ली थी, तो इस बार यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारी इस बार की प्लानिंग है वो बेसिकली साउथ गोवा देखने की है, तो क्योंकि नॉर्थ गोवा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम एक स्कूटी रेंटल करने के लिए जा रहे हैं, अभी अपने होटल के बाहर ही खड़े हैं। तो यहाँ पे स्कूटी का जो रेंटल है वो 500 के आसपास चल रहा है, अभी थोड़ी नेगोशिएशन करेंगे तो 450 में काम निपट सकता है। लास्ट टाइम 350 की पड़ी थी, बट यह कि हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीज़ तो हर चीज़ में होता ही है। तो अभी हम जा रहे हैं, एक स्कूटी रेंटल सर्विस है यहाँ पास में होटल के, तो वहाँ से स्कूटी रेंटल करेंगे। उसके बाद जो नियर बाय बीचेस हैं, जैसे कोलबा बीच हो गया और काफ़ी बीचेस हैं, तो वो कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हमने स्कूटी रेंटल पे ले ली है, और ये हमें एक्टिवा पड़ी है 400 रुपये पर डे के हिसाब से, और स्कूटी वगैरह महंगी थी तो हमने एक्टिवा ले ली, क्योंकि हमने सिर्फ घूमना ही है तो इनफ है हमारे लिए वो। और अभी हम इसमें पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं, फुल करवा लेंगे, क्योंकि 2 दिन के लिए लिया है तो इतना पेट्रोल तो लग ही जाएगा। और अभी जो नियरेस्ट बीच हमारे पास जो मैप में आ रहे हैं, हम चेक करें कौन सी प्लेसेस नियरेस्ट हैं, तो अभी वहाँ हम घूमना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आई थिंक हम कोलबा बीच पे जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा बीच पास में है, तो वहाँ जाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों अभी हम आए हैं कोलबा बीच पे, ये हमारे होटल से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे है, और ये हमारा फर्स्ट बीच है इस साउथ गोवा की जर्नी का। और यहाँ पे कुछ पेड पार्किंग वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो पहली चीज़ बढ़िया लगी साउथ गोवा में कि जो नॉर्थ गोवा में लूट होती है कि हर बार 50 रुपये आपको पार्किंग के देने पड़ते हैं, फिलहाल अभी तक तो हमें दिखे नहीं। बट कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे लोग नहीं होते, 9-10 बजे आते हैं, तो अगर वो कुछ ऐसा होगा तो हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। और यहाँ पे जो पार्किंग के लिए बीच से पहले दुकानें हैं, वहाँ भी अच्छी जगह है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये बीच है कैसा है, ये देखिए ये है बीच, ये एक बीच से थोड़ा सा नदी सी है, उसके ऊपर से पुल बना हुआ है, और ये टूरिस्ट अभी कम है बट है, दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये है कोलबा बीच, और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, अभी नहीं हो रही क्योंकि अभी इस मॉर्निंग का टाइम है। और ये फिशरमैन्स की बोट्स वगैरह भी यहाँ लगी हुई हैं, और इस तरफ शैक्स वगैरह भी हैं। काफ़ी बड़ा बीच है ये, और यहाँ पे सफाई वगैरह एवरेज है। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के चार्जेस वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हो आके। तो ये है दोस्तों बीच, काफ़ी बड़ा बीच है ये, और जो ये शैक्स हैं, बोट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, जो मॉर्निंग के टाइम पे भी काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। दोस्तों हितेश भाई के साथ कोलबा बीच पे खड़े हैं, हितेश भाई कैसा लगा आपको? ठीक है, बीच अच्छा है, अच्छा है, साफ सफाई भी है, इतना नहीं है जैसे हम नॉर्थ में गए थे। हाँ नॉर्थ में जो बीच थोड़े अनक्लीन थे,
क्लीन है सारे, जहाँ पर सफाई भी बहुत ध्यान रखी हुई है यहाँ पे इन्होंने। और सुबह सुबह काफ़ी टूरिस्ट है इतने कि हमने सोचा है कि इतने होंगे, बट सुबह काफ़ी टूरिस्ट हैं और शाम को भी यहाँ पे लाइफ अच्छी होती होगी ना, तो एक बार शाम को भी आएंगे यहाँ पे। एक बार आएंगे तो जो भी होगा वो पता चल पाएगा, हम भी फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है बीच और देखिए कितने टूरिस्ट इस समय मॉर्निंग में, अभी लगभग 9 बजने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। और पीछे शैक्स वगैरह भी हैं और यहाँ पे सफाई है जो एवरेज है, बट ठीक है काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे हैं। और ये नाव वगैरह अभी समुंदर में जा भी रही है मछली पकड़ने के लिए। तो ये है कोलवा बीच, साउथ गोवा का हमारा पहला बीच। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ गोवा में टूरिस्ट नहीं आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, यहाँ भी अच्छे बीचेस हैं, यहाँ भी अच्छी लोकेशंस हैं, तो आप भी साउथ गोवा आ सकते हो हमारी तरह, क्योंकि नॉर्थ गोवा बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई और बीचेस इतने क्लीन नहीं हैं। तो साउथ गोवा भी अच्छी ऑप्शन है, अगर आप नेचर लवर हो तो आप साउथ गोवा भी आ सकते हो। 3-4 दिन काफ़ी होते हैं साउथ गोवा के लिए अगर आपने फुली एंजॉय करना है। तो अभी जो नेक्स्ट बीच आप देखते हैं कौन सा है, फिलहाल तो हम एंजॉय कर रहे हैं कोलवा बीच पे। दोस्तों अभी कोलवा बीच से 4 किलोमीटर एक बीच है, बैटल बिजीम बीच कुछ ऐसा ही नाम है इसका, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ आए हैं हम और अभी फर्स्ट इम्प्रेशन में तो ये खाली ही लग रहा है। ये देखिए कुछ है यहाँ पे शॉप्स वगैरह। तो दोस्तों ये है बैटल बेटियम बीच गोवा का, साउथ गोवा में जो बीच है। और ये इस तरफ शैक्स वगैरह हैं और ये देख ये सामने है समुंदर। और जो बीच कोलवा से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है और इस तरफ शैक्स वगैरह सब बन रखे हैं। और फर्स्ट लुक क्लीन लग रहा है, क्राउड अभी इतनी यहाँ पे है नहीं, क्राउड कम है, सुबह का टाइम है, बट लोग हैं अभी यहाँ पे। ये देखिए ये है बैटल बेटियम बीच साउथ गोवा, ये भी बीच काफ़ी लंबा है, बड़ा बीच है, पर टूरिस्ट काफ़ी कम है कोलवा बीच के मुकाबले यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बैटल टीम बीच पे, मॉर्निंग का टाइम है, धूप यहाँ पे ठीक ठाक है, अभी गर्मी नहीं लग रही है, ठंडी हवा चल रही है और टूरिस्ट भी यहाँ पे एवरेज है, ना तो ओवर क्राउडेड है ना खाली है। तो मॉर्निंग टाइम पे भी यहाँ पे टूरिस्ट आपको साउथ गोवा में मिल जाएंगे। अप्रैल का फर्स्ट वीक है तो अभी टूरिस्ट आ रहे हैं और जैसे जैसे टाइम आगे अप्रैल में जाएगा टूरिस्ट कम होते जाएंगे, स्पेशली फॉरनर टूरिस्ट है वो कम होते जाएंगे। तो बढ़िया बीच है, आप भी यहाँ पे आ सकते हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट बीच है वो चेक करते हैं कौन सा है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ मैंने ऐसी कोई लिस्ट नहीं बना रखी, मैं गूगल मैप खोलता हूँ, जो नियरेस्ट प्लेस होती है घूमने की नेक्स्ट हम वहाँ चले जाते हैं, इससे एक टाइम बचता है, एक आप प्रॉपरली सब प्लेसेस जो हैं टूरिस्ट को घूम लेते हो। तो अभी मैं देखता हूँ मैप पे कौन सा नेक्स्ट बीच है, अभी यहाँ 10-15 मिनट हम रुकेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा बीच है, थोड़ा घूमेंगे इन्जॉय करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ सरना वेत्तम बीच है, ये कोलवा बीच से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, तो वहाँ पे आ गया हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये बीच, दोस्तों ये है सरना वेत्तियम बीच साउथ गोवा में। और ये भी मोस्टली खाली है क्योंकि साउथ गोवा में टूरिस्ट कम होते हैं। दोस्तों ये है सरना वेत्तियम बीच साउथ गोवा में
और ये कोलबा से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है और ये बीच अभी खाली है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट कम है, मोस्टली यहाँ फॉरनर आते हैं, तो ये सैक्स वगैरह यहाँ लगे हुए हैं और देखने में क्लीन लग रहा है। तो ये देखिए यह बीच, क्राउड बिल्कुल नहीं है। और ये शैक्स बने हुए हैं यहाँ पे, मोस्टली फॉरनर्स यहाँ होते हैं इस बीच पे। तो बढ़िया बीच है, बिल्कुल खाली है, क्राउड बिल्कुल नहीं है, आप फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय कर सकते हो और पानी भी इतना रफ नहीं है। और अगर आगे जाएं थोड़ा, वहाँ पे क्राउड है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये खाली है, बढ़िया बीच है ये। और साथ में सराउंडिंग्स भी बढ़िया है, शैक्स वगैरह सारे यहाँ पे हैं और फॉरेनर भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ साउथ गोवा में बेनुलिम बीच पे, ये हमारे लास्ट बीच से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे था। और फर्स्ट इम्प्रेशन इसका पता शायद देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये तो काफ़ी शैक्स वगैरह यहाँ पे हैं, क्राउड अभी इतनी नहीं होगी क्योंकि मॉर्निंग टाइम है। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये है देखिए, बाहर से दिखा रहा हूँ आपको मैं। और साथ में रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं और प्रॉपर पार्किंग बन रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। ये देखिए बढ़िया बीच है ये बिल्कुल, और प्रॉपर पार्किंग, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है, नॉर्थ गोवा की तरह लूट नहीं है यहाँ पे। ये देखिए तो दोस्तों ये है बीच और यहाँ पे बिल्कुल शैक्स वगैरह बन रखे हैं और ये पीछे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और इस तरफ मछुआरों की किश्तियाँ लगी हुई हैं और ये सामने लाइफ गार्ड बैठे हुए हैं अगर कोई रेस्क्यू करना पड़े तो। और ये सामने देखिए यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर वगैरह भी आते हैं और क्राउड यहाँ पे एवरेज है, ना तो ज़्यादा है ना कम है, और नाइट लाइफ भी यहाँ पे अच्छी होती होगी। इन टेबल या इन डेस्क पे आप बियर वगैरह लेके बैठ सकते हो। तो ये है दोस्तों बीच, काफ़ी साफ़ सुथरा बीच है ये।